दोस्तों वेस्ट बंगाल ने हिंदुस्तान को एक से बढ़कर एक सिंगर दिए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अगर टॉप प्लेबैक सिंगर्स का नाम लिया जाए तो ज़्यादातर सिंगर्स बंगाल से ही आते हैं, फिर चाहे वो एवरग्रीन सिंगर किशोर कुमार हो, बप्पी लहरी हो, अलका याग्निक हो, अभिजीत भट्टाचार्य हो, कुमार सानू हो, शान हो या फिर वन एंड ओनली अरिजीत सिंह हो, ये सभी सिंगर्स बंगाल से ही आते हैं। बात करें अगर हाल ही में पॉपुलर हुई सिंगर अरुणिता कांजीलाल की, तो अरुणिता भी बंगाल की ही रहने वाली हैं, जो कि इंडियन आइडल सीजन 12 की रनर अप रही हैं और आज पूरे देश में अपना नाम भी बना चुकी हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि सारेगामापा म्यूजिक का त्यौहार शुरू हो चुका है और इस शो में ऑडिशन के लिए आ चुकी हैं नीलांजना रे। नीलांजना रे भी इन सभी की तरह बंगाल से ही आती हैं और बंगाल की ही रहने वाली हैं। ऑडिशन में नीलांजना ने इस कदर गाया कि शो के जज हिमेश रेशमिया की आंखों में आंसू आ गए। हिमेश रेशमिया का कहना है कि नीलांजना की आवाज सीधे दिल को छू जाती है। दोस्तों नीलांजना के ऑडिशन के बाद हर कोई ये कह रहा है कि इस बार सारेगामापा में फीमेल सिंगर ही विनर होगी। नीलांजना को ज्यूरी के भी 100% वोट मिले थे। अब देखना ये होगा कि क्या नीलांजना ये शो जीत पाती हैं या नहीं और इन सभी सिंगर्स की तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाती हैं या नहीं। दोस्तों आप नीलांजना को लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सारेगामापा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।